हिंदी क्लब में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 7 विषय सिविक्स चैप्टर नंबर 5 जिसका शीर्षक है औरतों ने बदली दुनिया। जैसा कि आप लोगों ने पिछले अध्याय में जानने का काम किया कि औरतों को किस तरह से घर से बाहर के कामों से बेदखल किया गया था और महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादिता दृष्टिकोण था उसको किस तरह से अपनाया गया था। आज हम इस चैप्टर में यह जानने का प्रयास करेंगे कि समानता के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया और अपने अधिकार के लिए किस तरह के आंदोलन किए, किस तरह के संघर्ष किए और इस दुनिया को बदलने का प्रयास किया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर का पहला प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। कथन नंबर 1, सन 2006 में कानून बनाकर घरेलू शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित औरतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कथन नंबर 2, 1997 यानी 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करने के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से संबंधित सुरक्षा प्रदान के लिए निर्देश जारी किए। कथन संख्या 3, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 3 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है और ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन डी सभी सही है। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2, भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेती करती हैं। ऑप्शन ए 89.3% यानी 89.3%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 83.6%, ऑप्शन डी 52%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 83.6%। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन थी। ऑप्शन ए रास सुंदरी देवी, ऑप्शन बी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन सी रुकैया सखावत हुसैन, ऑप्शन डी लक्ष्मी लाकड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लक्ष्मी लाकड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, अमार जीवन किस भारतीय द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ऑप्शन ए लक्ष्मी लाकड़ा, ऑप्शन बी रास सुंदरी देवी, ऑप्शन सी रुकैया सखावत हुसैन और ऑप्शन डी पंडिता रामाबाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी बंगाल के पश्चिम बंगाल में रहने वाली थी और वह चूंकि शादीशुदा थी लेकिन उसके परिवार के तरफ से पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। उनको किसी तरह की पुस्तकें पढ़ने की मनाही थी लेकिन वो ढीबरी की रोशनी में यानी कि बहुत ही कम लौ वाली रोशनी में वो अपने आप को पढ़ती थी, छुप छुपा करके पढ़ती थी और पढ़ने के बाद वो अपने आप को इतने योग्य बनाई कि अंत में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी और उसी आत्मकथा का नाम है अमर जीवन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, रुकैया सखावत हुसैन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1,
रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। ऑप्शन नंबर दो, अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखी। कथन संख्या तीन, 1905 में 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने सुल्ताना का स्वप्न शीर्षक नामक कहानी लिखी। और कथन संख्या फोर, यानी कथन संख्या चार, 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। तो ऑप्शन पर चलते हम लोग, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी केवल तीन सही है, ऑप्शन डी एक दो तीन और चार यानी सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। प्रश्न संख्या छः, 1961 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत पुरुष एवं स्त्री शिक्षित थे? ऑप्शन ए 40% पुरुष, ऑप्शन बी 15% स्त्री और ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। प्रश्न संख्या सात, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत पुरुष एवं स्त्री शिक्षित थे? ऑप्शन ए 76% पुरुष, ऑप्शन बी 54% स्त्री, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी पुरुष 76% और महिला 54%, ये 2001 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आठ, 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना कम थी, ऑप्शन बी मुस्लिम लड़कियां स्कूल में 3 वर्ष तक रह पाती थी, ऑप्शन सी अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही थी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या नाइन, 2006 शारीरिक और मानसिक हिंसा कानून से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी घर के बाहर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को रोकना, ऑप्शन सी 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना पर रोक लगाई, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 10, घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 2007। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2006। प्रश्न संख्या 11, हर साल कौन सी तारीख को बाघा बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 18 अगस्त, ऑप्शन सी 24 सितंबर और ऑप्शन डी 24 अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा 24 अगस्त। तो इस प्रकार से हम चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक था औरतों ने बदली दुनिया, इससे कुछ प्रमुख प्रश्न आपके सेवा में प्रस्तुत किया। अगला चैप्टर लेकर के मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।